अजी सुनते हो? ये बाप बेटा तो मेरी सुनते ही नहीं। हा 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 हा, आजा आजा आजा। ओए जीता रहे, ओए मेरे बेटे जीता रहे। नाश्ता बना, ठंडा हो गया, दोपहर का खाना तैयार है, इन्हें होश ही नहीं है। अच्छी तरह मिक्स हो गया सारा दिन में इनके खाने के पीछे, और ये आ गया आगे। ओ क्या हो गया, और क्यों गुस्से से लाल पीली हो रही हो? आ गया बस जी। चल यार पहले खाना खा ले, आजा। जी आजा। आजा यार आजा, सुबह से वो आवाजें दे रही है। ओ कितनी दफा कहा है बेटे काम ना किया कर, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर। ओ तेरा बाप जिंदा है ना तो तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, जिंदगी में दिल लगा के पढ़ना है। जी बाबा पढ़ूंगा। और बाबू बन जाना है, इस गुलामी की जिंदगी से आजादी हासिल करना है। बाबा। है बस ऊपर वाले से यही दुआ है मेरी जी। अच्छा बाबा। आजा आजा, आ गया आ गया। हाँ चल खाना खा ले, आजा। हाय अब्बा तो बड़ा, हाथ दिला दे बस, दिला दे हाथ। ईमान अब बाबूजी की चिट्ठी आई थी क्या? मैंने आज ही डाकिया से पूछा है, नहीं आई है। चौधरी का कदम। चौधरी साहब खैर करें। ओए बशीरे, जी चौधरी साहब खैरियत? आप मेरे गरीब खाने में मुझे बता देते, मैं आ जाता आपके डेरे में उल्टे कदम चल के। सुन बशीरे, तुम लोगों ने हमारी बहुत खिदमत की है और करते आए हो, खालिस खिदमत की है। जी जी चाचा जी। तेरी इस झोपड़ी में चोर कब से पैदा होने लगे? चोर चौधरी साहब? तेरे खानदान ने हमेशा हमारे लिए कुर्बानी दी, लेकिन चोरी कभी नहीं की। कोई शक नहीं चाहिए। ये चौधरी तो मुझे जहर लगता है। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत थी अजी चाचा जी, तो तू मुझसे मांगता और मैं तुझे कभी ना न करता। अजी चाचा आपने कभी ना नहीं की। चौधरी साहब मैं एक अनपढ़ एक कमार आदमी हूँ, चौधरी साहब मुझसे ये पहेलियां नहीं पूछी जाती, आप खुल के बताएं। जैसा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बशीरे जी जी, आपने इस छोटे लाल को चोरी के काम पे कब से लगाया है? क्या कहना चाहते हैं खुल के बताएं मुझे। तो फिर पूछ अपने लाल से कि मेरे गोडाउन के अंदर क्या करने गया था। मेरा बच्चा? नहीं चौधरी साहब नहीं। हमारे खानदान ने चौधरी साहब पुश्तों से आपकी खिदमत की है, आप लोगों का नमक खाया, पर चोर नहीं चौधरी साहब, हम चोरी नहीं कर सकते चौधरी साहब, हम चोरी नहीं कर सकते चौधरी साहब। मैं तो पूछ अपने बेटे से। चौधरी साहब क्या पूछूं चौधरी साहब? कल मेरे गोडाउन में रंगे हाथों पकड़ा गया तेरा ये लाल। मैं मेरा लाल, मेरा बेटा? बुला उसको, पूछ उससे, एक खातून भी थी इसके साथ जो भाग गई। ये चौधरी? नहीं अम्मा नहीं। ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे बच्चे, ये बता दे, हम ये चौधरी को बता दे, हम नमक हलाल है नमक हराम नहीं। हाँ बेटा बताओ अपने बाबा को सच क्या बता है। बता दे मेरे बेटे, ना बोला तो तेरे बाप की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। बता दे, नहीं बता दे चोर नहीं हूं। ये क्या बोलेगा? फिर बोल दे कि तू गोदाम में नहीं गया था। जी ये सच है बाबा, मैं गया था। सुन लिया बशीरे? बशीरे
अब इसका फैसला पंचायत करेगी। नहीं चोई साहब, मेरा बच्चा अभी छोटा है चोई साहब। चोई साहब, मैं इसके लिए माफी मांगता चोई साहब। चोई साहब, आप कहें तो मैं इसके टोटे टोटे कर दूंगा, पर पंचायत में नहीं चोई साहब। पंचायत में जाके कोई वापस नहीं आता चोई साहब। पंचायत छोटे बच्चे के लिए? बस बशीरे बस, जितने भी फैसले हो चुके चोरी के वो हमारे डेरे पे हो चुके हैं, और इसका भी फैसला कल डेरे पे ही होगा। कल 5 बजे मेरे डेरे पर हाजिर होना। अम्मा चौधरी क्या कह रहे हैं? जो सब पंचायत नहीं, आप इसको जो भी सजा देना चाहे दे दे, मेरा ये इकलौता बच्चा। अब फैसला हो चुका है बशीरे, चलता हूँ। सुनो बेटा। हाँ अम्मा। मूसा सच सच बता, असल बात क्या है? रात को तो मैंने तुमसे पूछा नहीं, अब तो तुम्हारा बाबा भी घर पे नहीं है। अम्मा, मैं रात को अचानक उठा, ये पिछली गली वाली नूरानी जो लोगों के घरों से गंदम मांगती फिरती है, उसको रात में मैंने चौधरी साहब के गोदाम में जाते देखा। हाँ हाँ, वही नूरा जो बेवा है। हाँ अम्मा। जिसके 2 बच्चे हैं, वही जिसका बेटा तुम्हारे साथ खेलता है। हाँ अम्मा, मैंने उसको जाते देखा, फिर मैंने उसका पीछा किया। अच्छा। वो चौधरी के गोदाम में छुप छुप कर जा रही थी, तो मैं उसको देखने उसके पीछे चला गया। नूरा, नूरा बाजी, वो भी चौधरी के गोदाम में। नूरा बाजी, कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। मैं चौधरी के गोदाम से थोड़ी सी गंदम लेने जा रही हूँ, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। बेटा किसी को कुछ मत बताना। चौधरी के आदमियों ने तुझे देख लिया तो जान से मार देंगे तुझे। तो छोड़ इस बात को, तू मेरी मदद करेगा ना? हाँ करूँगा, बस थोड़ी सी गंदम चाहिए मुझे। नूरा बाजी, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप अंदर चले। आप अंदर जाए, मैं बाहर खड़ा होकर यहाँ से देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ अंदर आओ। आहिस्ता चले नूरा बाजी। हाँ मैं आहिस्ता ही चल रही हूँ, तुम बस मेरे पीछे पीछे रहो। ठीक है आप ऊपर जाएं, कोई नहीं है यहाँ पर। आराम से दरवाजा खोलना और जल्दी वापस आना। बस तुम बाहर ध्यान रखो, मैं बस जल्दी जल्दी आई। ओहो नूरा बाजी, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ, तुम फिकर नहीं करो। जल्दी आओ, नहीं तो कोई आ जाएगा। बस थोड़ा सा रह गया, आ गई। आ जाए, कोई नहीं है बाहर। नूरा बाजी, आप उस रास्ते से जाएं, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। अच्छा ठीक है। उसको अपने बच्चों के लिए गंदम चाहिए थी। तो बेटा आपने चौधरी के सामने अपने बाबा को क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है हम कितनी मुश्किल में आ गए हैं? पता नहीं अब चौधरी क्या फैसला करेगी। उसकी तरफ देखें। अम्मा, अम्मा, आज तक चौधरियों के फैसले किसी गरीब के हक में नहीं हुए। तुम्हें कैसे बख्श देंगे? अम्मा, जुल्म मुझ पर हो या नूरा पर, बात तो एक ही है ना माँ। बेचलिया, तू तो छोटा सा बच्चा है, वो सह सकती है, पर तू कैसे सहेगा मेरे लाल?
खुदा जाने वो जालम चौधरी तुझे क्या सजा देगा। मैं क्या करूं मेरे रब और मेरे लाल। बस उसकी मदद की थी, वो बेसहारा है अम्मा। तुम्हें पता है हम कितनी मुश्किल में आ गए हैं। सबके घरों में मांगती फिरती है बेचारी। मैंने तो सोचा था कि अम्मा अगर वो थोड़ी सी गंदम चौधरी के गोदाम से ले लेती तो चौधरी का क्या जाता। चौधरी तो अम्मा बहुत ही जालिम है। पता नहीं चौधरी अब क्या फैसला करेगा। अम्मा आज तक चौधरियों के फैसले किसी गरीब के हक में नहीं हुए। अम्मा तुम्हें कैसे बख्श देंगे वो। अम्मा जुल्म मुझ पर हो या उस बेचारी नूरा पर, बात तो एक ही है अम्मा। बेझल्या तू तो छोटा सा बच्चा है, वो तो सह सकती है पर तू कैसे सहेगा मेरे लाल। खुदा जाने वो जालम चौधरी तुझे क्या सजा देगा। या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं कि मेरा बेटा मुजरम नहीं है। मैं क्या करूं मेरे रब ओ मेरे लाल। हाँ आगे तुम बताओ क्या हुआ। बोल बशीरे क्या हुआ, पंचायत ने क्या फैसला किया है। बशीरे ईमान सामान बांध इसका। बशीरे तू उधर मुकर के खड़ा क्यों हो गया, मुझे बताता क्यों नहीं है। मुझे बता उस चौधरी ने क्या फैसला किया है। बशीरे बोल तू बोलता क्यों नहीं है। क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या बताऊं मैं तुम्हें कि क्या फैसला क्यों। आज तक उस चौधरी से किसी को कोई खैर मिला। बता बशीरे उसने क्या आसमान तोड़ा है हम पर। ओए उसने फैसला किया है कल शाम ढलने से पहले तेरे बेटे को गांव बदर कर दिया जाएगा। नहीं। बशीरे तू होश में तो है, तेरा एक ही बच्चा है। जानता हूँ। ओ तू क्या बोल रहा है। और अगर ये गांव छोड़कर ना गया तो चौधरी अपने पालतू कुत्ते इसके ऊपर छोड़ेगा। तू चाहती है कि ये इस तरह मरे, तू नहीं चाहती कि ये जिंदा बचे। मेरा बेटा। नहीं नहीं बशीरे नहीं। ओ बशीरे मैं कुछ नहीं कर सका अपने बेटे के लिए, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ बशीरे तू चुपचाप सुनकर आ गया उस जालम का फैसला। तुझे नहीं पता हमारा एक ही बेटा है। ईमान हमें चौधरी का फैसला मानना पड़ेगा, हमारी सात पुश्तें इनका फैसला सुनती और मानती आई हैं। मेरी गुलामी और मेरी गरीबी ने मुझे मार दिया, मैं अपना बेटा तक नहीं बचा सका। पापा ऐसे तो ना कर। पापा अम्मा देखो ना पापा क्या कह रहे हैं। देख कितना छोटा है मेरा बच्चा, वो पंचायत ने इसकी उम्र भी नहीं देखी।
बशीरे, मैं उसका फैसला नहीं मानती, नहीं मानती मैं उसका फैसला। तो क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं मानती तू फैसला उसका? तूने हर कीमत में मानना होगा। क्या तू नहीं जानती, तुझे नहीं पता कि जो चौधरियों का फैसला नहीं मानता उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? मेरी गुर्बत। ईमान, क्या तू नहीं चाहती क्या तेरा बच्चा जिंदा रहे? चाहती हूँ बशीरे, चाहती हूँ मेरा बेटा जिंदा रहे। या अल्लाह, किस आजमाइश में तूने हमें डाल दिया है। बशीरे, बशीरे, हम रातों रात ही गांव छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। वो तुम नहीं जानती, वो चौधरियों ने हमें जिंदगी भर के लिए खरीद रखा है। मैं खुदाया, उसके लाखों का सूद हम कहां से देंगे? हम नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं। ईमान, तू तो जानती है जिसने भी यहां से भागने की कोशिश की वो तो अपनी जान से किया। मैं नहीं चाहता कि इस गंदे निजाम का हम बेशकार हो जाएं और मेरा बच्चा इनकी भेंट चढ़ जाए। नहीं होने दूंगा, नहीं होने। बशीरे, इसे मैं अपने हाथों से कैसे निकालूं? देख, देख ना ये कितना छोटा सा है। खाने का इसको पता नहीं है, खेलने की इसकी उम्र है। कहाँ जाएगा ये इस उम्र में? कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा ये? शहर तक का तो मुंह नहीं देखा, मेरा बच्चा मर जाएगा। जानता हूँ ईमान, मैं बेबस हूँ। ईमान, तुम्हें मेरी तरह फैसला मानना होगा। शाम ढलने से पहले नहीं, इसे गांव से निकाल दे, निकाल दे मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा, अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगा? अम्मा, मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती। अम्मा, मैं डरता हूँ रात को, कहाँ जाऊंगा मैं? अम्मा, बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चले जाते, लेकिन तुम समझते हो इस चौधरी ने सबको कैदी बना रखा है, हम उसके गुलाम हैं। अम्मा, हम पर उसने सूद और ब्याज का कर्ज चढ़ा रखा है। अगर हम भी तुम्हारे साथ गए तो वो कहीं भी हमें ढूंढ के मार देगा। मेरे बच्चे, जा, मैं तुम्हें अल्लाह के आसरे पे छोड़ती हूँ। बेटा, ये ले, इसमें तुम्हारा खाना भी है और तुम्हारे कपड़े भी हैं, और इसमें एक खत लिख दिया है, और उस पते पे चले जाना। अम्मा, कहाँ जाऊंगा मैं? मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं आता। जा मेरे बेटे, जा, शाम ढलने से पहले चला जा। अम्मा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं। अम्मा, मैं आगे बगैर नहीं रह सकता। जा, तुझे मेरी कसम, जा। नहीं जाना मैं। अम्मा, जा रहा हूँ मैं, देख लो मुझे। बाबा, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। जा रहा हूँ मैं, सच में जा रहा हूँ। मेरा बच्चा, आप लोग कब तक ये गुलामी की जिंदगी जीते रहोगे? मैं जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा पलट के, नहीं आऊंगा। बाबा का ख्याल रखना अम्मा, बाबा वक्त पर दवा नहीं लेते। बाबा से कहना अगर मैं जिंदा रहा तो बड़ा आदमी बन के आऊंगा। अम्मा, बाबा का हाथ बटाना खेतों में। अम्मा, वो बूढ़े हो गए, मैं तो उनका इकलौता बेटा था ना। ना, बाबा का ख्याल रखना। अम्मा, मैं तेरे बगैर नहीं रहता था ना, अब रह के दिखाऊंगा। जा रहा हूँ मैं। अम्मा सुनो,
बाबा बाबा आप भी सुनो। ए गांव वालों सुनो, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम सबको इस गुलामी की जिंदगी से मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। मेरा तुमसे वादा है। ए चौधरी, नहीं डरता मैं तुमसे। मेरा इंतजार कर, मैं आऊंगा और तुमसे मैं बदला लूंगा। लूंगा बदला मैं तुमसे। माँ तू नहीं जानती, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं रात को डरता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ अभी। जब मैं डरूंगा तो मुझे सीने से कौन लगाएगा? अम्मा तेरी यादें मैं इस दुपट्टे में समेट के लेके जा रहा हूँ। जब तू मुझे याद आएगी मैं इसे सीने से लगा लूंगा। देख तेरा बेटा आज कितना अकेला रह गया। ओ भाई, हेलो, यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या हुआ? रोड पे नहीं सोते? क्या हुआ? तो पकड़ के ले जाएगा यहाँ पे। जाओ कहीं और पे जाओ। अच्छा, यहाँ नहीं सो, चलो। शहर तो आ गया हूँ मैं, मगर अब मैं जाऊंगा कहाँ? ये तो इतना बड़ा शहर है। इतनी बड़ी बड़ी बसें, ये क्या शहर में ही होती हैं? चल चल के कितने लंबे हैं शहर के रास्ते। अब पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा। अम्मा, तेरे हाथ का बना हुआ आखिरी पराठा। अम्मा, तेरे बगैर खाना खाने का मजा भी नहीं आ रहा, लेकिन तेरे हाथों से बना हुआ पराठा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे, ये क्या हालत बना रखी है? ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है? तू कहती थी तेरा लगता है ये वाला है। हाँ यही है, शुक्र है मिल गया।
इतनी देर हो गई कोई नहीं आया, ये बेल दबाता हूँ। और कौन है बाहर? साजी दरवाजा खोले, मैं मूसा गांव से आया हूँ, बशीरे का बेटा। और कौन है यहाँ पे? और किससे मिलने आया तू? मैं हूँ मूसा, गांव से आया हूँ, अम्मा ने खत दिया था कि बाबूजी से मिल लेना। अच्छा दो फिर खत इधर। ये ले। मैं देता हूँ साहब जी को, ये तो ईमान पुत्र का खत है। जी जी अम्मा है मेरी। जाके अंदर। ओ साहब जी, ईमान का बेटा गांव से आया है, बशीरे का पुत्र, आपसे मिलना चाहता है वो। हाँ चाचा, उसको अंदर भेज दे। पुत्र आ जा अंदर, बुला रहे हैं साहब जी। जी अच्छा। इतना बड़ा घर, ओ यहाँ तो इतने बड़े घर होते हैं, हमारे गांव में तो कच्ची दीवारों के छोटे छोटे घर होते हैं। इन रिश्तेदारों को हमारा ही घर मिला है, जिसको देखो आ जाता है। तो क्या हो गया? बच्चा आया तो ना? आपको नहीं पता बच्चा कैसे आया है, किस चक्कर में आया है, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। अच्छा चल छोड़ ना, रिश्तेदार है हमारे, क्या करेंगे ना। रिश्तेदार है तो क्या चोरियां करते फिरे? गांव वालों ने धक्के दे के निकाला है इसको, पंचायत लगी है। वहाँ दिल नहीं भरा तो हमारे घर भेज दिया उठा के इसको, अब हमारे घर चोरियां करता फिरेगा। आहिस्ता बोल। क्या आहिस्ता बोलूं जी, हम इस पांड को नहीं उठा सकते, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बहन लगती है वो। बहन लगती है तो क्या बहन भाई के घर में चोर भेजेगी? अच्छा चल छोड़, थोड़े दिनों के बाद भेज देंगे उसको। ओ बच्चे कहाँ गया साहब जी? वो नहीं है बाहर साहब जी, वो बाहर नहीं है। अपनी बदनामियों के साए में रोज जीता हूं। अम्मा अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊँ अम्मा? मैं अकेला रह गया, मैं कहाँ जाऊंगा? अम्मा यहाँ कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी को सहारा नहीं देता। अब मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं। पापा, अम्मा तेरा बेटा रुल गया। जीवन एक संघर्ष है। इतनी आधी रात हो गई है, मैं कहाँ रहूंगा? अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। अम्मा सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूखा हुआ है। बस आ गई है, देखता हूँ पैसे कितने हैं। मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं जिससे मैं कहीं जा सकूं, अब तो पैदल ही चलना पड़ेगा। ये लो। बात सुनो, रुको, रुक जाओ, बात सुनो मेरी। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। क्यों दिए पैसे तुमने मुझे? भिखारी नहीं हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये पकड़ो अपने पैसे और जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं चाहिए मुझे पैसे, नहीं चाहिए।
नहीं समझ लिया है मुझे, नहीं हूँ मैं फकीर। खा लो मेरा बेटा, खा लो मेरा बेटा। नहीं बाबा नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो मेरी जान, मेरा बेटा थोड़ा सा खा लो ना। मैं बस ये पीऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना। इतनी देर भूखी रहोगी तो नींद कैसे आएगी मेरे बेटे को। चलो खा लो, थोड़ा सा खा लो मेरा बेटा, थोड़ा सा। नहीं नहीं पापा। जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष है। मेरे खाने को दिल नहीं कर रहा, इसे फेंक दो। नहीं इसे फेंकते नहीं है। क्यों? आप भी मेरा पेट भर गया। खाने को जाया करने से गुनाह मिलता है, इसे यहाँ रख देते हैं, कोई जानवर या परिंदा आके इसे खा लेगा। अच्छा ठीक है, शायद कोई बहुत भूखा हो और उसे ये खाना मिल जाए। बस इतनी सी थी कि मैंने एक गरीब की मदद की और चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। बेटा मैंने तुम्हारी मुकम्मल कहानी सुनी, बहुत अफसोस से कहता हूँ गांव के हालात और मामलात आज भी ऐसे के ऐसे हैं। मैंने खुद बहुत सारे फैसले देखे और सुने हैं। मुझे तुम्हारी दारी बहुत पसंद आई बेटा, कि तुम भीख मांगकर नहीं मेहनत से कमाना चाहते हो। बेटा शहर में बच्चों से काम करवाना जुर्म है। मैं एक होटल में मैनेजर हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें काम पर ले जाऊंगा। वहां पर काम यही है तुम्हारा कि चलते फिरते नजर आओ। आपका बहुत शुक्रिया साहब जी कि आपने मुझे इस काम पे रख लिया। क्या मैं आज से ही काम पे लग जाऊं?
बहुत शुक्रिया साहब जी। चलो चले चलो। कितनी दफा कहा है बेटे काम ना किया कर, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर। वो तेरा बाप जिंदा है ना तो तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में दिल लगा के पढ़ना है जी बाबा, ठीक है, और बाबू बन जाना है। इस गुलामी की जिंदगी से आजादी हासिल करना है, बाबा। है? बस ऊपर वाले से यही तो है मेरी जी। अच्छा बाबा। आजा, आजा, आ गया। एक संघर्ष है। छोटे जी सुनो जी। क्या सोच रहा था हैं? उदास नहीं होना, काम में दिल लगाना है। छोटे 11 नंबर टेबल दे। आ गया जी, आ गया जी। मैडम अभी लाया। ये ले मैडम आपका ऑर्डर। और कुछ चाहिए आपको? नो थैंक्स। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। अच्छा बताओ क्या खाओगी आज? बारबेक्यू मंगवा रहे हैं। अच्छा फिर मैं ऑर्डर करता हूँ। ओके। छोटे वो टेबल साफ कर। ठीक है साहब। मैडम कैसी हैं आप? ये तो इंसाब के पैसे हैं, कहाँ गए वो? चलो मैं इसके नीचे रख देता हूँ, वो आके ले लेंगे। कहाँ रह गए वो? ओहो, बहुत रश था बाथरूम में यार, बहुत रश था। वैसे तुम कहाँ गई थी? मैं क्यों बताऊँ आपको कि कहाँ गई थी? जहाँ आप गए थे मैं भी वहीं गई थी। यहाँ मैंने पैसे रखे थे। कहाँ गए? कहाँ गए पैसे? अच्छा आप अपनी पॉकेट मैंने सारी चेक कर ली। ये देख पॉकेट में नहीं है पैसे, इधर मैंने रखे थे। दोबारा चेक कर ले पॉकेट। यार वो लड़का यहाँ आया था, उसको सफाई के लिए भेजा था। ये कहाँ है? ओए छोटे इधर आ, इधर आ, इधर आ। जी आया साहब जी। ओए ये टेबल तुमने साफ किया? ये साहब जी मैंने ही साफ किया। लगता हाथ साफ किया। मैं बॉस बनकर चोर। साहब जी मैंने तो सिर्फ टेबल साफ किया। झूठ बोलते हो तुम हैं? झूठे मेरे पैसे तुमने चुराए? नहीं आप, मैं कोई चोरी नहीं। Excuse me, क्या हो गया? क्या हो गया? सर इसने मेरे पैसे चुराए, यहाँ पड़े थे। आप इसका हाथ छोड़ें, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मैं इससे बात करता हूँ। इसी ने मेरे पैसे चुराए। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ ना, रुकें। क्या हुआ छोटे मुझे बताओ। सर मैंने पैसे चोरी नहीं किए, ये लोग वॉशरूम गए थे, इनके पैसे नीचे गिर गए थे, मैंने उठा के उसके नीचे रख दिए। चलो बताओ कहाँ रखे हैं आपने? जी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखे, ये ले पैसे। ये देखे पैसे। ओ, तो ये क्यों गलती होगी मुझसे? किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह मालूमात कर लेनी चाहिए। ये मेरा बड़ा ईमानदार बच्चा है। साहिब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। सॉरी बेटा सॉरी। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है। पहले मैनेजर से बात कर लेते हैं। जी मैनेजर साहब से मिलना है हमें। नजर नहीं आया मुझे। हाँ मुझे भी नजर नहीं आया, लगता है आज आया ही नहीं है वो। हाँ मुझे भी नहीं नजर आया। हाँ जी सर कह रहे हैं। आपने बुलाया था मुझे?
कुछ पूछना था हमने जी। वो मैनेजर साहब से बात करनी। आज उनकी ऑफ है और उनकी जगह पे मैं ड्यूटी। अच्छा, मुझे बताइए। सर वो यहाँ पर एक छोटा बच्चा काम कर रहा था, वो नजर नहीं आ रहा हमें। वो तो छोड़ के चला गया। छोड़ गया? छोड़ गया? कहाँ गया? कहाँ चला गया? हम उससे मिलने आए हैं आज। कुछ बताया उसने कहाँ गया, वो कहाँ जा रहा है? हमें कुछ मालूम नहीं वो कहाँ चला गया। कुछ तो पता हो उसके घर का, कोई अता पता? कोई नहीं, कुछ पता नहीं। जब से उस पे चोरी का इल्जाम लगा था तब से वो नहीं आया। साहिब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। वो तभी चला गया था, वो बड़ा खुददार बच्चा था और जरूरतमंद भी था, और इसलिए मैनेजर साहब ने उसको यहाँ रखा था। ऐसे बच्चों से यहाँ पे हम काम नहीं लेते। अब कहाँ गया वो ये पता नहीं, अगर कोई इतला मिली तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। बाय द वे मैं पूछ सकता हूँ आप क्यों उसको तलाश कर रहे हैं? हाँ पूछो। एक्चुअली हम उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उसके बारे में जो भी खबर मिली मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच जी। कोई बात नहीं। और लुकमान कैसे ढूंढेंगे? करना करो, मिल जाएगा। ओ छोटी, आया उस्ताद जी? जी उस्ताद जी। आजा आजा छोटे उस्ताद। आज एक महीना हो गया तुझे, बहुत प्यारा काम किया तूने। बहुत मेहरबानी। ये ले, ये तेरी एक महीने की तनख्वाह। बहुत शुक्रिया आपका। आज इसी खुशी में चाय पिला देना, मजा। अभी लाया उस्ताद जी। भाई साहब ये मेरी गाड़ी का एसी चेक कर। यार लड़का गया है चाय लेने, आता है तो वो खोल के देखता है इसको। ताजी मेहरबानी होगी आपकी, एमरजेंसी है, बहुत दूर जाना है मुझे। अच्छा खोलें यार, बॉनेट खोलें, मैं देखता हूँ। मामूली फॉल्ट था, कोई बात नहीं, केबल हिल गई थी, अब आप जा सकते हैं। ओ शाबाश, ले आया चाय। राजे तो भीख मंगा दिंदी, ए दुनिया पजी फिर दिया। छोटे जी। उस्ताद जी उस गाड़ी का क्या बना? नहीं, कार बेड में मसला था वो मैंने देख लिया। अभी मैं एक्सीलेटर प्लेट देख लेता हूँ कि और कोई मसला तो नहीं, बाकी सब ठीक है। छोटे ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, इनकी गाड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही उस्ताद जी, आप फिक्र ही ना। जिंदाबाद, चल जा फिर देख क्या, मुझे बता। छोटे चला जा यार, खा ले खाना, सुबह से लगे हुए हैं गाड़ी पे। आजा आजा जल्दी। बस उस्ताद जी दो मिनट, ये तो हो गया, दूसरा करते। आ जा यार खाना खा ले, फिर मैंने जाना है बाजार सामान लेने के लिए, स्पेयर पार्ट की दुकान बंद हो। उस्ताद जी आ गया, बस हाथ धो लूं। छोटे जी उस्ताद जी, गाड़ी आई है उसको देख ले, मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लेने जी। अच्छा। अगर कोई मसला हो जाए तो मुझे फोन पे बात कर लेना मेरे से जी। ओके, देख जी। अच्छा जाके, जल्दी से मैं अभी देख लेता हूँ। अरे तुम चारिश, देखो कौन है। ओ तुम, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, ये तो यहाँ पर है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ओ आप लोग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब अब मैं इसी वर्कशॉप में काम करता हूँ। हम तो वहाँ रेस्टोरेंट में भी गए थे तुम्हें ढूंढने, लेकिन पता चला कि तुम वहाँ से चले गए। हाँ जब से मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा था मेरा वहाँ से दिल लूट गया। चलो छोड़ दो इस बात को, वो बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम हमें मिल गए, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे और आज तुम्हें यहाँ देखकर हम कितना खुश हैं हम बता नहीं सकते, क्यों लुकमान? बिल्कुल हम बहुत खुश हैं, हमें तो यकीन नहीं था कि तुम हमें यहाँ मिल जाओगे। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? पहले तो तुम मेरी गाड़ी का एसी ठीक करके दो जी, इसको देखो क्या मसला है। उसके बाद हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अच्छा वाकई? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। एक तारा किस्मत दा
डुबया किना। बस ये हो गया। तुम नहीं जानते कि तुम्हें देख के हमें कितनी खुशी हुई है। अगर तुम ना मिलते तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। तुम यहाँ कहाँ रहते हो? जब वर्कशॉप में काम ज्यादा हो तो मैं यही सो जाता हूँ, नहीं तो इन्होंने यहाँ एक रूम बनाया हुआ है जहाँ सब सोते हैं, फिर मैं भी वहीं सो जाता हूँ। और अगर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएं तो काम क्या होगा मैडम? काम क्या, बस हमारा बेटा बन के रहना होगा और कुछ नहीं। बेटा? हाँ बेटा, हमारा बेटा। बेटा बेटा तो सिर्फ मैं अपनी माँ का ही हूँ और उसी का रहूंगा। तेरे बाजों ए दुख दिल दा दस मैं किन्नू का। तुम्हारी माँ? जी मेरी माँ। हैं, आप हैरान क्यों हो गए? तुम अपनी माँ के बारे में बताओ हमें। ये कहानी फिर सही। ये लें साहब जी, ये आपकी गाड़ी अब टन टन हो गई है चलने के लिए। जबरदस्त मेरे हीरो। छोटे जी आए उस्ताद जी। उस्ताद जी का फोन है तेरे लिए। मान क्या ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा? इसकी तो माँ भी है। तुम फिक्र ना करो, हम उसकी माँ से बात कर लेंगे। हाँ जी उस्ताद जी। पेपर ले लिए और कुछ चाहिए? नहीं उस्ताद जी और कुछ नहीं चाहिए, बस आप टाइमिंग बेल्ट ले आना। ओके ले आऊंगा। अच्छा उस गाड़ी का काम कर दिया? हाँ जी जी कर दिया। जब सामान मार्केट लेने आया करता था तो तू भी साथ आया करता था? जी उस्ताद जी। यहाँ हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ है, आके अच्छा, पूरा हिसाब लेता हूँ मैं। फोन बंद कर दिया। तेरी याद च अथरू केरा जद भी कल्ला मां। कौन सी है बेल्ट? ओ छोटे इधर आ। उस्ताद जी आया? उस्ताद जी आजा 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 बाहर आ। जी उस्ताद जी। हाँ छोटे क्या चल रहा था अंदर? सब ठीक है। सब ठीक है जी जी। कहाँ है वो शबाज? उस्ताद जी अभी इधर ही थे, शायद चाय लेने गए हैं। आप बैठे ना। अभी नहीं अभी, वो वाले जरा फिर बैठता हूँ। परेशान लग रहे हैं बहुत, अल्लाह खैर करे। हाँ छोटे अब बताओ, सच सच शॉप पे स्पेयर पार्ट लेने के लिए कौन कौन जाता था? उस्ताद जी मैं और शहबाज भाई जाया करते हैं ज्यादा। भेजता कौन था तुम्हें वहाँ? उस्ताद जी जब उस्ताद शहबाज मुझे कहते तभी मैं जाता था। शहबाज वो कौन होता है? कितना सामान वहां से लेके आए कुछ पता है? जानते हो कहाँ है वो? जी मैंने आपको बताया था ना, वो चाय लेने गए। मेरे साथ ही धोखा किया तुम लोगों ने, मेरी आंख में धूल झोंकी। छोटा छोटा शहबाज, छोटा उस्ताद। उस्ताद जी बताएं तो सही क्या बात है? क्या बताऊं तुम्हें, लाखों रुपए का सामान वहां से लाए हो, उसका कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। हैं सुना तूने ना, मैंने तुझे यहाँ जगह दी, काम दिया, इज्जत दी, और तूने भी मुझे तक नहीं बताया कि चोरी कर रहे हो। छोटे तुम बराबर के शरीक हो इस चोरी में। जाओ और शहबाज को बुला के लाओ। जी अच्छा। ओ जान टेंशन ना ले, बिल्कुल फिकर ना कर, तेरे लिए गोल्ड की रिंग लेके आ रहा हूं मैं वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे का गिफ्ट ले लिया, फिकर ना कर तू। छोटे उस्ताद
हाँ क्या है? उस्ताद जी बुला रहे हैं आपको। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं। जानू मैं आता हूँ अभी, जरा पापा की बात सुन के आया। जी पापा, आपने बुलाया था मुझे। बाबा बाबा मैं तो नहीं, ये तो छोटा ही जाता था, जो भी सामान चाहिए होता था मार्केट में। हाँ? क्या पूछ ले आप इसे। नहीं, छोटे उस्ताद जी, जब आप मुझे कहते थे तभी मैं जाया करता था ना। बाबा कभी कभार छोटा बताए बगैर भी सामान लेने के लिए जाया करता था। नहीं उस्ताद जी, सच नहीं है। हजारों रुपए का घपला हुआ है। ये बात तो ठीक है बाबा, पर कहाँ से पूरा करूँगा मैं ये। बाबा कभी भी मैंने ज्यादा सामान नहीं खरीदा कभी इतना ज्यादा। बाबा यकीन करें बाबा, ये छोटा ही जाया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से और पलट के यहाँ नहीं आना, जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं बाबा? और तुम, मैंने तुम्हारी ये जुरत। नहीं नहीं उस्ताद जी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा आपके साथ। मैं अगर तू नहीं तो किसने किया ये? मैंने उस्ताद जी कुछ नहीं किया। जी तो चाहता है कि घसीटता हुआ निकालूं तुझे मैं। आपको तो पता है मैं चोरी का माल नहीं खाता, मैं अपने हाथों से कमा के खाता हूँ। ये देखें, पर मैं चोर नहीं उस्ताद जी। चोर है तू, धोखेबाज है तू। मैं चोर नहीं हूँ। रामेबाजी और मेरे साथ। उस्ताद जी मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, जो छोटे उस्ताद जी कहते थे मैं वही करता था, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। क्यों दिया धोखा मुझे? मैंने तुम्हें यहाँ काम दिया और मेरे गैरेज में। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँगा? तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं किससे कहूँ? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं उस दादी से माफी मांगूंगा कि पैर पड़ जाऊंगा कि मुझे ना निकाले, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। मैं उस दादी से बात करता हूँ। आज के बाद मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना तुम। मैंने तुम्हें रहने की जगह दी, खाने को दिया और उस्ताद जी के दिया हुआ सामान नहीं लेके जाऊंगा, मैं खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा। चांद को टूटा